अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ इजी टू कुक शीर खुरमा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन गर्म होने के लिए रख दिया है और ये थोड़ी सी मैंने एक मुट्ठी के करीब मैंने सवैया ली है, क्योंकि मैं ये आज ये लजीजा शीर खुरमा बना रही हूँ तो इसमें सवैया कम होती है, तो इसलिए मैं ये सवैया इसमें ऐड करूंगी। बस ये मैंने एक मुट्ठी लिया और इसको मैं हाथ की मदद से इसको मैं बारीक कर लूंगी। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने बारीक कर लिया। बस अब मैं इसको फ्राई पैन में फ्राई कर लूंगी हल्का सा। यहाँ पे फ्राई पैन गर्म हो चुका है, इसमें सिर्फ मैं एक दो ड्रॉप ऑयल के डालूंगी। बस इतना सा मैंने ऑयल डाला है इसमें और ये सवैया मैं इसमें डाल दूंगी। बस इसको मैं हल्की आंच है बिल्कुल इस वक्त, और एक मिनट तक बस मैं इसको सेकूंगी ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। और ये लजीजा शीर खुरमा बहुत ही मजे का बनता है और झटपट यकीन करें 10 मिनट में रेडी हो जाता है। कोई मेहमान वेहमान घर में आ रहा हो, कुछ समझ में आ रहा हो, तो फटाफट ये मीठा रेडी हो जाता है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है सवैयों का। बस ये देखिए भुन गई है सवैया, अच्छी सी कलर इसका चेंज हो गया है। मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको मैं अलग बाउल में निकाल लूंगी। यहाँ पे मैंने एक पतीली ली है, इसमें ये मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है नेस्ले का, आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं। ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये मैंने सारा इसमें डाल दिया है, अब मैं यहाँ पे चूल्हा ऑन कर दूंगी। ये मैंने इसमें दूध डाल दिया है, चूल्हा भी जला लिया है। अब मैं इसको जब तक पकाऊंगी जब तक इसमें जोश नहीं आ जाता। और इस लजीजा शीर खुरमा में मुझे एक दाना चीनी भी नहीं डालनी पड़ती, इस पैकेट में सब कुछ मौजूद है। ये देखिए इसके अंदर सब कुछ है, मेवा भी है, चीनी भी है, सवैया भी है, लेकिन सवैया बस थोड़ी है तो इसलिए सवैया थोड़ी सी एक मुट्ठी में ऊपर से डालती हूँ। ये देखिए दूध में जोश आ चुका है। ये मैं यहाँ पे अब 160 ग्राम का लजीजा शीर खुरमे का पैकेट में इसमें डाल दूंगी। ये इसको मिक्स करूंगी और ये मैंने जो सवैया भून के रखी थी ये भी मैं इस वक्त डाल दूंगी इसमें। और अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी और हल्के हल्के हाथों से तकरीबन मैं इसको 2 मिनट तक पकाऊंगी। दरमियानी आंच इस वक्त, ना ज्यादा हल्की है ना ज्यादा तेज है, बस हल्के हल्के हाथों से इसको इस तरह से चलाते रहना है 2 मिनट तक। ये देखिए दूध में दोबारा जोश आ चुका है और 2 मिनट हो चुके हैं। बस अब मैं यहाँ पे इसको हल्की आंच कर दूंगी इसकी, बिल्कुल मैंने इसकी बिल्कुल हल्की आंच कर दी है और अब ये तकरीबन 15 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी हल्की आंच में। ये देखिए यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और कितना ये पक पक के, देखिए यहाँ पे ये निशान था इसका दूध का और ये इस तरह से नीचे पक पक के, और इसका कलर भी देखिए कितना येलोइश सा हो गया है। अब इसकी हम सर्विंग करेंगे और अच्छे से गार्निश करेंगे। ये देखिए मजेदार सा गरम गरम लजीजा शीर खुरमा रेडी है। इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं और फ्रिज में रख के तकरीबन आधा एक घंटे के लिए इसको ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अभी सर्दियां हैं तो ये गरम गरम बहुत मजे का लगता है। आप भी ट्राई कीजिएगा, झटपट से बन जाता है ये लजीजा शीर खुरमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।